तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और मेरे साथ ज्वाइन है राहुल जी एंड बीर सिंह जी। तो हम जैसे कि हमने कल बीर सिंह जी बताया था आपको कि हमने शुरुआत में तो आपको टैम्पलेट्स के बारे में समझाया कि न्यू में जो टैम्पलेट्स होते हैं इनका कैसे यूज करेंगे आप और खुद के टैम्पलेट कैसे बनाएं। अब हम बात करते हैं हम एक्सेल ऑप्शंस के बारे में। अब जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि हम जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे कि आपने कोई फ़ोन लिया या कोई आपने कंप्यूटर लेते हैं तो उसका वॉलपेपर, रिंगटोन वगैरह वगैरह जो अपने हिसाब से सेट करते हैं, ऐसे ही एक्सेल हम ले रहे हैं तो इसको भी हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, राइट। तो एक चीज और हमने बताया था कि किसी भी ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए, उसके शॉर्टकट या बाकी चीज जानने के लिए, जब उस पर कर्सर रखें तो स्क्रीन टिप्स में उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर जाती है। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हम इंटरव्यू लेते थे तो ये इंफॉर्मेशन को हम इस इंफॉर्मेशन को हम डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, अमरजीत जी ज्वाइन कीजिए। उसी चीज से जिससे कल जैसे आपने कल किया था उसी चीज से आज भी करेंगे। मैं आ गया उसी लिंक पे क्लिक कीजिए और प्रोसेस को फॉलो। हाँ, जूम पे ही जो जो प्रोसेस आपने कल किया था ना वो प्रोसेस आज भी कर रहा है। हाँ, मैंने वो कर लिया जी। अब क्लिक हियर। कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। अमरजीत जी ठीक है, हो गया, सॉरी सर। तो यहां पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर हम कर्सर रखते हैं तो उसका स्क्रीन टिप्स मुझे नजर आ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना दिखे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं। अब स्क्रीन शॉट क्यों लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई डेटा दे, जैसे मान लीजिए ये डेटा आपको मिला तो आपको पता चला कि ये डेटा गलत है, तो उसको समझाओगे कि फलाना डेटा गलत है तो उसको समझने में टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस जो डेटा गलत है उस एरिया को हाईलाइट कर देते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। लेकिन अब स्क्रीनशॉट लेते समय गलती से कर्सर आपका चला गया इस पे और फिर आपने प्रिंट स्क्रीन किया, जब इसको आप पेस्ट करेंगे तो आपका जो देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, हिडन आ गया, तो फिर आपको दोबारा से करना होता है। तो ऐसी गलतियां होती है। अब एक दो बार कर रहे तो नहीं, जैसे जो लोग टेस्टिंग का काम करते हैं उन लोगों को दिक्कत होती है। इन शॉर्ट मैं चाहता हूं कि ये जो पॉपअप बार है मुझे ना दिखे, तो फाइल मेनू बार में जाएंगे आप एक्सेल ऑप्शन और यहां जनरल में ही यहां देखिए स्क्रीन टिप्स एंड स्टाइल, इसमें कर दीजिए डॉट्स तो आपको नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, जब भी आप नया फाइल क्रिएट करते हैं या नया शीट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, आपका डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है, साइज आपका 11 होता है, 3 या 1 शीट आपको मिलता है, व्यू आपका नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि आपने फॉन्ट को डिफॉल्ट आप एरियल कर सकते हैं,
या कोई और करना चाहे तो कोई और कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में मैंने गया था जॉब, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है। तो उन्होंने बताया कि जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं, क्योंकि मुझे हर एक सेल में टाइप करने से पहले वो क्लोज करना, सेल्स की फॉर्मेट को चेंज करना होता है। तो वहां पे हम, यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है आप डिफॉल्ट फॉन्ट अपना हिंदी कर लो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे ऑथर नेम। जैसे किसी फाइल आपको भेजा तो इस फाइल को किसने बनाया है, कर्सर रखते ही पता चल जाता है। मेरे सिस्टम में पता नहीं चलता, अगर आप लोगों को पता चल जाएगा। उस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, उसके डिटेल्स में आएंगे कि यहाँ ऑथर दिख रहा है, आईपीटी एक्सक्लूसिव। ठीक है सर, तो यहाँ जो ऑथर नेम आपका डिफॉल्ट आपका विंडो नेम होता है, विंडो का जो आईडी होता है, यूजर आईडी और नेम होता है। जैसे कि जनरली कंपनियों में क्या होता है, यूजर वन, एडमिन वन, इस तरह के आईडी होते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसे पता चलता है कि एक्चुअली में फाइल किसने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिस का थीम होता है, जैसे कि मैं डार्क ग्रे करके ओके कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आपका ऑफिस का व्यू डार्क ग्रे हो गया। व्हाइट कर दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, कलरफुल कर दोगे तो कलरफुल हो जाएगा, ब्लैक कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। कलरफुल करें तो नॉर्मली कलरफुल पे ही होता है। उसके बाद अगर हम अगली कैटेगरी में जाए, अब इसमें बोले और भी ऑप्शन है, साफ क्यों नहीं बता रहे, तो सारे ऑप्शन जानना जरूरी नहीं है। जिस सेटिंग से भी फायदा है वही हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप बात करते हैं फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में यहाँ पे एक चीज आता है R1 C1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब सॉरी यहाँ पे देखिए आपकी वो ABCD कॉलम नेम आपका ABCD है, और यहां पे आपका रो नेम जो है 1 2 3 है। अगर मैं R1 से रेफरेंस स्टाइल कर दूं एंड ओके करूं, तो आप देखेंगे कि यहां भी आपका 1 2 3 और यहां भी आपका 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज तो बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन मैंने 2 3 बार इसको यूज किया है प्रिंटिंग पर्पज से। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक डेटा है, और अभी तो चलो इसमें कम डेटा है, लेकिन कल के डेट में ज्यादा डेटा होगा तो ये कई पेज में आएगा। देखिए कई पेज में आपको यहाँ दिखेगा, 36 पेज है। अब ये दूसरा आ गया, दूसरा पार्ट। फिर होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रिंट निकाल लेते हैं, फिर उसको जोड़ लेते हैं। जी देखिए, ये आपका यहाँ से एक पेज में आ रहा है, और दूसरे पेज में आपका ए आ रहा है, और तीसरे पेज में ए आ रहा है। छोटा डेटा है तो एडजस्ट करके 2 पेज या 1 पेज भी किया जा सकता है लेंथ से पोर्ट्रेट वगैरह करके, लेकिन जहाँ 200 300 कॉलम है वहां तो नहीं होगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि यहाँ फॉर्म या इस पे पेज लेआउट पे आते हैं, और ग्रिड लाइन हेडिंग को हम यहाँ पे व्यू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रिंट करते समय हमारा हेडिंग भी आता है। देखिए 1 से 9 दिख रहा है, तो इसको आपस में गम से या एक चार्ट पेपर में उसको हम लोग जब चिपकाते हैं तो चिपकाने में फायदा होता है। से स्टार्ट हो गया,
तो यहां रेफरेंस स्टाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन में। बाद प्रॉब्लम में एक और चीज आती है, अनेबल एग्राम एरर चेकिंग, बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है। जैसे कि अगर आप कुछ लिखते हो और वो जो आपने लिखा है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है तो साइड में आपको एक एरर देगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, जिस पर कर्सर रखेंगे तब बताएगा कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट। तो ये एरर को हम यहां से इग्नोर कर सकते हेलो हैं। अभी सिंह जी सर, सॉरी मेरा फोन ने डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं कुछ देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर लें। सर परमिशन दे दीजिए। दे दिया, अमरजीत जी मुझे सुन पा रहे हो आप? लग रहा है उन्होंने माइक आज कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे कि अगर आप कोई भी कुछ भी लिखते हैं फॉर्मूला वगैरह, उसमें अगर एरर होता है, दिक्कत होता है, तो आपको एरर अलर्ट दे देता है। तो कभी कभी तो हम कन्वर्ट करते हैं या कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इग्नोर आएगा जब जरूरत नहीं होती है, पता है कि हाँ मैंने ऐसे ही लिखा है तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो इग्नोर होता है वो आपकी पूरी शीट पे नहीं होता है, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही इग्नोर होगा। आप चाहते हैं कि मेरे शीट पे कहीं भी इस तरह का एरर ना दिखे तो एक्सेल ऑप्शन में आप जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और फॉर्मूला में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसको यहाँ से आप अनेबल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपने अपने एप्लीकेशन को सेट किया है, अगर किसी और को मेल करेंगे तो फिर वहां उनको एरर दिखेगा। लेकिन आपने यहां से जो इग्नोर एरर किया है वो इग्नोर एरर नहीं दिखेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में हमारे पास ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, जैसे कि मैं अपने एक्सेल शीट पे डीएल लिखूंगा तो टैली हो जाएगा, मैं तो बताता हूँ लिख के। जैसे मैंने कैप्स में डीएल लिख के स्पेस मारा तो दिल्ली बन जाएगा, स्पेस मारा तो दिल्ली सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे या बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसको आपको बार बार अपने किसी फाइल में लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा अभी जो आप जो अभी सेटिंग चेंज कर रहे हैं वो पूरी एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हो, ये हर फाइल पे इफेक्टिव होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में मैंने यहाँ पे जैसे कि डीएल बना रखा है, ऐसे अगर कुछ भी बनाना चाहे तो यहाँ पे जो बनाना चाहते हैं और जो जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ टीएम, तो मैं आता है टीम लिस्ट, हमने बनाया और इसको ऐड कर दिया। एंड अब मैं यहां पे जाता हूं टीएम लेके स्पेस मारता हूं तो टीम लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तीसरा का चीज आप बना सकते हैं। दूसरा एक और होता है इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेटाबेस में बहुत सारे ईमेल आईडी या फिर ऑटो फॉर्मेट टाइप, इस पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, मैंने हटा दिया था। इससे होता क्या है, जैसे किसी की ईमेल आईडी आप लिखते हो या वेब एड्रेस लिखते हो तो वो हाइपर लिंक लग जाता है। अब एक डेटाबेस में आप डेटा एंट्री करवा रहे हैं वहां भी इस तरह का हाइपर लिंक लगना थोड़ा सा दिक्कत देता है। क्या
आप क्लिक करने जाओगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं एक्सेल ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और यहां प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, और यहां से इसको अनचेक कर दूंगा। हमें यहां पे www.google.com लिखा या किसी की ईमेल आई लिखी तो नॉर्मल डेटा जैसे एंट्री होता है उस तरह का नॉर्मल डेटा एंट्री होता है। तो ये आपके लिए सुविधाजनक चीज होगी आगे टाइप करते समय। उसके तो सर, बाद अगर मान लो अगर किसी को भेजते हैं तो हाँ उनको हाइपरलिंक उनको तो दिखेगा या उनको तो उनके पास नहीं हाइपरलिंक नहीं दिखेगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा उनको भाई। ओके। उसके बाद यहाँ हम आते हैं फाइल में, एक्सेल ऑप्शन। अब यहाँ पे हम प्रूफिंग के बाद आते हैं सेव पे। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप फाइल सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, तो अगर आपके फाइल के अंदर भी माइक्रो का कंटेंट है तो फाइल को सेव करना होता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आपकी फाइल डिफॉल्ट, आपको फाइल का जो सेव एज टाइप है डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक सेव होता है। अब एक्सेल वर्कबुक सेव होने से दिक्कत क्या होता है कि हर बार मुझे इसको चेंज करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अनेबल माइक्रो को सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हम भूल गए तो माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा। तो मैं ज्यादातर तो माइक्रो फाइल पे ही काम करता हूं, तो क्यों ना मैं एक्सेल ऑप्शन में जाऊं एंड यहां सेव पे क्लिक माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट। तो मैं जब भी सेव करूंगा डिफॉल्ट माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही रहेगा और मुझे इंश्योरिटी होगी कि मेरा फाइल का जो माइक्रो है वो डिसेबल नहीं होगा, माइक्रो लॉस्ट नहीं होगा। दूसरा, जब भी आप फाइल पे काम करते हैं तो आपके हर जितनी भी ओपन फाइल है उसका हर 10 मिनट में बैकअप स्टोर होता है। वो टाइमिंग यहां से अब कम और ज्यादा यहाँ पे करना चाहते हैं। वो बैकअप स्टोर कहाँ होता है, तो इस लोकेशन में होता है। अब इसको भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर आता है डिफॉल्ट सेव लोकेशन। जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका माई डॉक्यूमेंट दिखता है, लेकिन फाइल को हम लोग बराबर डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव में डालते हैं, तो हर बार हमें उतने फोल्डर घूम के उसके अंदर जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट फाइल लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे आपने 3-4 फाइल खोल रखी है, जैसे कि आप लोग काम कर रहे हैं तो आपका एक डम फाइल है जो कि 1000 MB की फाइल है, और जब भी आप उसको खोलते हैं, जब भी उस फाइल को आप खोलते हैं तो आपका फाइल हैंग होता है। और जैसे ही 10 मिनट पे हर बार फाइल को रिकवर होता है, रिकवर मतलब कि सेव होता है, तो आपको कुछ मिनट्स हैंग रहता है। तो आप, मैं चाहता हूं कि हर 10 मिनट में मेरी फाइल जो कुछ देर के लिए हैंग हो जाती है वो ना हो, तो आप उस पे ऑटो रिकवर नहीं चलाते। जैसे कि मैं जानता हूं कि उस फाइल पे ऑटो रिकवर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो फाइल डम फाइल है, उसमें हम चेंजिंग हमेशा नहीं करते, वो महीना में एकाध बार होता है, चाहे दिन में एकाध बार होता है। तो यहां से उस फाइल का लिस्ट को सिलेक्ट करें और इस पे क्लिक कर दे, वो आपका ऑटो रिकवर। बाकी लैंग्वेज ईजी एक्सेस में कुछ खास नहीं है। हाँ, एडवांस में आप आते हैं तो एडवांस में कुछ नई चीजें हैं। जैसे आप कर्सर प्रेस करते हैं, एंटर मारते हैं, तो आपका कर्सर डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अप, तो एंटर मारने पे कर्सर आपका ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। दूसरा, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप टाइप करते हैं 50 और हो जाता है 0.05, आप टाइप करते हैं 500 हो जाता है 5, मतलब जो भी नंबर टाइप करते हो 100 से डिवाइड हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि किसी ने आपके एप्लीकेशन की सेटिंग को ऑटोमेटिक इंसर्ट डेसिमल पॉइंट कर रखा है।
कि ऐसा भी होता है कि जैसे हम सिलेक्ट करके फाइल यहाँ सिलेक्ट करके जो ड्रैग करते हैं ना, ऐसा ड्रैगिंग पॉइंट बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई ड्रैग ना कर सके, तो यहाँ अनेबल फील्ड हैंडल सेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप ये फैसिलिटी को अनचेक करेंगे तो यहाँ पर ड्रैग का पॉइंटर बनेगा ही नहीं। इसी तरह से इसमें आगे आते हैं तो और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है, वर्टिकल स्क्रोल बार है, सीट के नेम है, और आप चाहते हो ना दिखे तो यहां से अनचेक कर सकते हो, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर फाइल को होगा, याद रखिएगा। उस जैसे उस किसी फाइल की सीट्स के ऊपर आपका यूज होगा है कि सीट का कॉलम मिडल डालना है, पेज ब्रेक हटाना है, जीरो को नहीं शो करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें तो छोटी मोटी चीजें तो आप भी सीख सकते हैं। अगला आता है कस्टम लिस्ट। आपने देखा था कि मैंने किसी एक का नाम लिखा और ड्रैग किया तो मेरे टीम की नेम आ गया, लेकिन जनरली आप लोग जनवरी लिखते हैं और जनवरी को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च आता है, संडे को लिखते हैं और संडे को यहाँ पे आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आता है, लेकिन मैंने एक नाम को लिखा और ड्रैग किया आगे। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं दिल्ली लिखा और ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, सिटी लिस्ट आ गया। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने एक्सेल की एप्लीकेशन में लिस्ट ऐड कर रखा है। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लिस्ट है जिसको बार बार आपको टाइप करना होता है या कहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है, तो ऐसे लिस्ट को आप क्या करें, फाइल में जाए, एक्सेल ऑप्शन पे जाए और आप आए एडवांस पे, सबसे नीचे जाए, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहां पे आप अपना लिस्ट को ऐड करें। जैसे कि मैंने यहां पे नेम लिस्ट डाल रखा है, मैंने यहां पे सिटी लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, मैं यहां पे कोर्स लिस्ट डाल देता हूं, जैसे कि एक्सेल VBA डैशबोर्ड BI ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया एंड आगे लो। अब मैं यहां पे एक्सेल लिखता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा कोर्स लिस्ट आ गया। अब जरूरी नहीं मैं एक्सेल से ही स्टार्ट करूँ, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा तो उससे आगे की सीक्वेंस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। ऐसे लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि मान लो मैं लिस्ट पहले से बना रखी है, मैं टाइप नहीं करना चाहता क्योंकि 15-20-50 लिस्ट है, इसलिए तो एक्सेल ऑप्शन में जब आप कस्ट एडवांस में जब यहाँ पे आप आते हैं कस्टम लिस्ट, तो इसमें आपका यहाँ देखिए इंपोर्ट का भी फीचर होता है, सिलेक्ट कीजिए और आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टमाइज रिबन। रिबन का मतलब होता है जो आपका जो ऊपर मेनू बार दिख रहा है एक्सेल में, इसको हम एक्सेल में रिबन कहते हैं, तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम में आप देख रहे हैं डेवलपर है, पावर पिवट है, तो ऐसे मेनू बार आप भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे डेवलपर नहीं होता है क्लिक करके ला सकते हैं, पावर बीआई नहीं है तो फॉर्म सेटिंग को एक्टिव करके आप ला सकते हैं या हटा सकते, या फिर आप खुद के मेनू बार से देखें CNIR हमने बनाया हुआ है तो मैं इसको यहां से रिमूव कर सकता हूं और अपने लिए खुद की बना भी सकता हूं। कैसे? न्यू टैब। अब इस टैब को रिनेम कर दीजिए और इसमें अपने हिसाब से फंक्शन रखिए। जैसे यहां पे आएंगे तो जैसे कमांड नॉट इन रिबन दिख रहा है आपको, तो इतने सारे जो कमांड है वो रिबन में अवेलेबल नहीं है, तो जो चाहिए वो आप कर सकते हो।
जैसे कि मैं कहता हूं स्पीक एंटर, स्पीक सेल एंटर, हम इसको ऐड कर दिया। ऐसे और भी ऐड कर सकता हूं और ओके करता हूं, आप देखेंगे एंटी नाम का एक टैब यदि किया और इसमें एक फीचर है ऑन एंटर, हमने इसको एनेबल कर दिया तो क्या होगा पता है आपको? सेल्स विल नाउ बी स्पोकन ऑन एंटर। जैसे मैं टाइप करूंगा ओएम बुदाई योगेश दिल्ली, आवाज आ रही है आपको? टीना यस सर, वी कैन हियर यू। इस तरह की होगा तो ऐसे फीचर्स को आप ऐड कर टर्न ऑफ स्पीक ऑन एंटर कस्टमाइज्ड बन जाए। अब इसमें अगला आता है टूल बार, देखिए ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे कि सेव अंडो रीडो, तो जैसे कुछ ऐसे चीज है जो कि आप यहाँ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी डालना चाहते हैं। ठीक है, व्यू मार दो यहाँ पे इसको कर दे। अब क्या होगा कि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे जैसे अल्ट प्रेस करूंगा, इस पे प्रेस करूंगा सब पे एक नंबर आया। अब नंबर 6 मैंने इंटर किया तो माइक्रो का टाइप खुल गया, एक तरह से एक शॉर्टकट बन गया अल्ट एंटर, समझ गए? Alt 6 हो गया। ऐसे क्विक एक्सेस टूल बार में अपना नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ओके? तो मैंने अपने हिसाब से मेनू बार की चीजें बता दी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी हम उसको बता देंगे। तो फाइल मेनू बार में बाकी कुछ नया सीखने को नहीं है क्योंकि सेव सेव तो आपको आता ही है, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो हम कल से सर करेंगे अपना होम मेनू बार। सर एक बार वो बता दो जो अभी मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज मान लो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखा तो वहां पे वो दिखना शुरू है, तो उसको हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं? उसके लिए आपको इसमें फाइल में आपको आना होगा, इसमें ऑप्शन में, और ऑप्शन के अंदर आपके सामने प्रूफिंग में यहां दिख रहा है स्क्रीन टिप्स स्टाइल, डॉन्ट शो कर दीजिए। ओके ठीक है, राइट राइट सॉरी, ये जनरल जनरल में दिखता है ना? हाँ जनरल में। अब इसकी प्रैक्टिस okay. कीजिए, हम आपको इससे आगे की चीजें बताएंगे। तो टॉपिक हम होम मेनू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है अमरजीत जी, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है, राहुल जैसे आपने आज ज्वाइन किया है, उसी प्रोसेस से कल ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन तभी जब मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा ताकि मैं उसको उस लिंक को एक्टिव कर दूं। ओके, सो सुजीत सुजीत जी, देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक देयर इज अ सेल reference suppose A1 and there is a formula available in that cell like B lookup, H lookup or something else what can be, but I want to hide this formula so nobody can samajh gaya, aap chahte hain ki mera formula kuch bhi formula laga hai, jaise yahan pe sum ka formula laga hai, is formula right, ko right. koi bhi na dekh sake, right? Yeah, तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है और प्रोटेक्शन में आके इसके लॉक के नीचे हेडर रहो। ओके, और आप अपना सीट पे अपनी उसी राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करके अपनी पासवर्ड लगा दीजिए जो लगाना चाहते हैं। दिख रहा है? नहीं सर,
Sir, actually, also I'm having some query here. Actually, I don't want to protect the state, just I want to hide the formula. So is it possible? नहीं protection तो करनी पड़ेगी, but आप ये चाहते हो कि मैं type भी मतलब formula भी hide नहीं हो फिर भी type कर सकूँ, तो आपको पूरी sheet को select कर लो and format cell पे जाओ और इसको lock को हटा दो, hidden को लगा दो, ठीक? Okay. और आप जो है इस पे आप protect कर लें, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे type करेंगे, type कर रहे हैं आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाएंगे, ओके okay. आप एंटर मारेंगे कर्सर रखेंगे फॉर्मूला दे देंगे, ओह ग्रेट, आप F2 प्रेस करेंगे फिर भी आपको फॉर्मूला दे देंगे, सो फर्स्ट वी नीड टू लॉग हिडन देन वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर सीट अनलॉक आपको अनलॉक को पे अनचेक करना है और लॉक हिडन पे चेक करना है, ओह ओके थैंक्स ओके और कोई डाउट नॉट येट आपको कोई बात है और कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा कल भी तो रहेंगे हम ठीक है मिलते हैं कल सेम टाइम ओके सर थैंक्स बाय बाय तो यूट्यूब देखा किस तरीके से हमने अपनी क्लासेस को कंडक्ट किया आप भी चाहो तो हमारी क्लास इसी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं इसके लिए आप वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दे एक दो क्लास डेमो लें फिर हम आगे डिस्कस करेंगे या कोई डाउट हो कुछ से क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू